इस समय देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। ठंड का सितम कुछ इस कदर है कि लोग ठंड से बचाव के लिए कई तरह के जतन कर रहे हैं। दरअसल लुढ़कते तापमान के साथ ठंडी हवा भी चल रही है, जिससे सब ठिठुरने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के नीमच का भी कुछ ऐसा ही हाल है, यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई बेसहारा लोग इस ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं, लेकिन उन तक प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंच पा रही। दरअसल नीमच में बेसहारा लोगों के लिए बकायदा रैन बसेरा तो है, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या महज 4-5 ही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो रैन बसेरे को लेकर नगरपालिका द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, या फिर वे लोग इन लोगों के लिए गंभीर नहीं है, जिसके चलते बेसहारा लोग इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। हालांकि बकायदा रैन बसेरा नीमच में खुल रहा है, लेकिन यहाँ पर आधे से ज्यादा पलंग खाली दिखाई दे रहे हैं, जिन पर सोने वाला कोई नहीं है। साथ ही नीमच शहर के लोग इस कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए अलाव लगाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। साहब बहुत जोरदार पड़ रही है, अभी 3-4 दिन से ज्यादा ही ठंड पड़ रही है, क्योंकि खुला एरिया होने से ठंड और ज्यादा लगती है। खुली हवा चलती है, ठंड ज्यादा लगती है। उसके अलावा वॉश पड़ती है, रात को वॉश पड़ती है, मतलब उससे हमारा बिस्तर गीला हो जाता है। सब हमारे पास झोपड़ी ओपड़ी कुछ भी नहीं है, सब खुला मैदान है। खुले मैदान में सोचते हैं, गरीब आदमी हूँ, अब इतना पैसा भी नहीं कि हम किराए का मकान ले सके। अकेले रहते हो आप? अकेला ही रहता हूँ। कितने साल हो गए? मैं यहाँ पे 50 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया। कोई अभी तक तो मतलब वो प्राइवेट आते हैं, मतलब सरकारी हमको कोई मदद नहीं मिली अभी तक। सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है, हमारे पास कूपन भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है।